Module 122 Post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder uh, is exhibited in a form in which the child is experienced uh, mostly uh, death-related experiences or physical injuries. Sometimes they experience and sometimes they witness it. So uh, mainly we can say that if the child witness any death experience. और जस्ट एनकाउंटरिंग विद दैट एक्सपीरियंस आइदर बाई हिमसेल्फ और ही सी दैट हिज पेरेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग एट दैट टाइम इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट द चाइल्ड कैन प्रजेंट द पोस्टरोमेटिक स्ट्रेस डिसडर अब जब हम ये कहते हैं कि द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पोस्ट रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है के द चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू एग्जिबिट फ्यू सिम्टम्स सिम्टिच आर रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर अब वो सिम्टम्स uh, या वो फीचर्स क्या होंगे उसके अंदर सम uh, uh, बच्चे होते हैं वो uh, हमें आकर रिपोर्ट करते हैं कि दे आर एक्सपीरियंसिंग नाइट मेयर्स रिलेटेड टू द डिसऑर्डर्स ठीक है अब सॉरी नॉट रिलेटेड टू द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द इवेंट्स ठीक है अब मोस्टली चाइल्ड हमें आकर ये रिपोर्ट करता है कि उसे उस इवेंट से रिलेटेड जो नाइट मेयर्स हैं वो आ रहे हैं अब नाइट मेयर्स में आ, वो या तो उसी इवेंट को दोबारा होते हुए देखता है या उसी इवेंट के थीम से रिलेटेड कोई चीज़ जो है उसको वो एक्सपीरियंस करता है ठीक है अब इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर सकता है जिसके अंदर उसको ये फियर हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से जो है Uh, वो सेपरेट हो जाएगा या सेपरेट हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने विटनेस किया है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है तो माइट भी उसके अंदर ये फ़ियर डेवलप हो जाए कि उसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो सकती है या वो उससे दूर हो सकते हैं uh, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उस इवेंट को जिसको उसने एक्सपीरियंस किया है या विटनेस किया है उसके बाद उसने जो ऑलरेडी कुछ स्किल्स एक्वायर किए हुए हैं उनको वो फॉरगेट करना शुरू कर दे इसको हम दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं यानी अगर तो बच्चा तीन साल का है या चार साल का है और उसको हमने टॉयलेट ट्रेन कर दिया हुआ है या पाँच साल का भी है तो हो सकता है कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग को जो है वो एकदम से रिग्रेस कर जाए दोबारा से अर्ली स्टेज के ऊपर और वो अपने जो कपड़े हैं वो उनको सोइल करना शुरू कर दें इसी तरह आ, जैसे मैंने नाइट का पहले जिक्र किया इसके साथ साथ नाइट की वजह से इट मे पॉसिबल कि जो उसको स्लीप है वो भी उसकी डिस्टर्ब होना आ, शुरू हो जाए यानी या तो वो अकेला सो नहीं पाएगा और अगर वो सो पाएगा तो रेस्टलेस स्लीप होगी और वो ऐसा फील करेगा कि ही और शी इज़ नॉट वेरी मच लाइक फ्रेश आफ्टर हैविंग अ स्लीप इवन ठीक है उसके बाद ऐसे बच्चे क्या करते हैं आमतौर परैक्टमेंट आ जाती है इनके अंदर एनेक्टमेंट ऑफ दैट इवेंट ठीक है अब वो किस तरह आएगी कि जिस वक़्त ये कोई खेल खेल रहे हैं या प्ले कर रहे हैं तो उस प्ले के अंदर उस इवेंट से रिलेटेड जो थीम्स हैं उनको उसमें वो डिस्कस करेंगे तो इस किस्म की चीज़ें भी आपको देखने में मिलेंगी मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे को फ़िज़िकली uh, एब्यूज़ uh, किया गया है और उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो जिस वक़्त वो गेम्स uh, प्ले uh, करेगा और उसके अंदर कोई अगर कार्टून करेक्टर होगा या कोई और uh, बच्चा उसके साथ होगा तो वो कोशिश करेगा कि वही चीज़ जो उसने एक्सपीरियंस की है वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट करे दैन ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और ऐसे फोबियाज़ और इन्ज़ाइटीज़ डिवेलप हो जाए जो इन फैक्ट उस इवेंट के साथ रिलेटेड ना हो यानी अगर किसी बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज किया गया है तो इट मे पॉसिबल कि वो फियर ऑफ मॉन्स्टर जो है वो अपने अंदर डेवलप कर ले या किसी कमरे बच्चे को कमरे में बंद किया गया है तो उसके बाद हो सकता है कि उससे डार्कनेस से फियर जो है वो डेवलप हो जाए तो इट माइट पॉसिबल कि डिफरेंट किस्म के कि जो उसके फोबियाज़ और इन्जाइटीज़ हैं वो उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाए इसी तरह अपनी तमाम किस्म की फ्रस्ट्रेशन है रिलेटेड विद द ट्रॉमा वो प्ले के ज़रिए स्टोरीज़ के ज़रिए और ड्राइंग्स के ज़रिए जो है वो उनको क्या करता है एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है देन इस तरह भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली फ़िज़िकल एक्स और पेंस जो हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और यह समाइम ऐसा भी होता है कि अगर आ, बच्चे को सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया है तो उसके बॉडी uh, के अंदर uh, जो सर्टेन पार्ट्स हैं जिनके अंदर उस टाइम पे पेन फील हुई थी हो सकता है कि वही पेन की कंप्लेन वो लेटर ऑन भी करे ठीक है इसके साथ साथ बाज़ात बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी और एजिटेशन और एग्रेशन भी जो है uh, वो आना शुरू हो जाता है तो सम टाइम जब बच्चा uh, बग़ैर वजह के इरिटेबिलिटी और एग्रेशन शो करे या एकदम से लोनलीनेस शो करे तो दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो फ़ौरी तौर पर अपना जिस तरह ट्रामा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या विटनेस किया है तो फ़ौरी तौर पे उनको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे कुछ बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स डिलेड भी होते हैं एनी इट माइट पॉसिबल कि आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ सिक्स मंथ जो है वो उस बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हों ठीक है तो इसलिए वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि अगर बच्चे के अंदर इस किस्म के सिम्टम्स आ रही हैं जिसके अंदर रिपीटेडली किसी ट्रॉमा के से रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो हमें एक्सप्रेस कर रहा है और थीम हमें मिल रही है तो वी नीड टू तो बी फाइंड आउट के आइधर उस बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई ट्रामेटिक इवेंट जो है वो तो नहीं हुआ हुआ तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू